आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एवर स्टाइलिश का ज्वेलरी हॉल मैंने काफी प्यारे प्यारे पीसीस यहाँ ऐसी खरीदे हैं आ, एवर सेलिश पे आ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले भी एक हॉल कर चुकी हूं एवरसेलिश से मैंने कुछ इयर खरीदे थे और काफी अच्छी क्वालिटी के निकले काफी अच्छे आ, प्राइस पे मिले मुझे और आज भी मैं लेके आई हूँ कुछ ईयर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ट्रेंडिंग ईयर जो मैंने एवरसेलिश से खरीदे थे और क्वालिटी भी काफी अच्छी है उनकी मैं आज वो वाला हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपको पता है मैं मेरा कोई भी वीडियो अभी तक स्पॉन्सर नहीं होता है तो मैं मुझे जो भी आ, मिलता है रिसीव होता आइटम मैं उसी का बिल्कुल जेनुअन रिव्यू करती हूँ आपके साथ आपके साथ बिल्कुल जेनुअन चीज उसकी शेयर करती हूँ चाहे वो अच्छी है तो अच्छी बोलती हूँ बुरी है तो बुरी बोलती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाती हूँ आपको मैंने कितने ब्यूटीफुल पीसेस खरीदे हैं एवर स्टाइलिश से उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि मैं हर ऑल्टनेट डेज पे वीडियोज डालती हूँ जब भी मैं नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आप नोटिफाई not, हो जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है और सबसे पहले आप वीडियो देख लें अगर आपको ज्वेलरी पीसेज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले जो मैंने ज्वेलरी आइटम खरीदी है वो मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता भी नहीं सकती मतलब ये इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग पीस है हर किसी के पास था बट मेरे पास नहीं था और जब से मेरे पास आया है तब से मैं इसको फ्लॉन्ट ही करे जा रही हूं ये ग्लास बड़े बड़े इयर है ये सारा ग्लास वर्क है कट वर्क है ग्लास वर्क और इस तरह से ये दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्वालिटी ए वन है फ्रेंड्स मैंने इसको काफी बार पहना है और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है जितने बड़े ये देखने में लगते हैं उतने बिल्कुल भी हैवी नहीं है कान में बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते हैं पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है कान कान में और उसके बाद मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ ये देखिए ये कुछ सिल्वर टाइप की फिनिशिंग है इसमें लोहा नहीं है क्योंकि ये वाले इयर मैंने देखे थे पहले कई बार एमेजोन पे भी देखे हैं मैंने कई बार मैंने इसको पे भी देखा है और मैं लेना भी चाहती थी काफी टाइम से ये लेना लेने की सोच रही थी मैं ये बट मैंने फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से पहले ज्वेलरी ली हुई है तो फ्रेंड्स उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकलती और ये बिल्कुल काले पड़ जाते हैं काफी टाइम तक मतलब चलते नहीं है बिल्कुल भी नहीं चलते वो एक बार आप पहनोगे काले पड़ जाएंगे बिल्कुल और आपकी बॉडी पे इसका कलर उतरने लग जाएगा जैसे ब्लैक 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 हो जाती है वहां से बॉडी जैसे कि बहुत ही बैड क्वालिटी के हैं, बट ये मैंने तीन चार बार पहन लिए हैं और इसके बाद मैंने ये एक महीना भी हो गया इसको लिए हुए बट अभी तक ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी ब्लैक नहीं हुए हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं ये और मैं इसको पॉली पैक में रैप करके रखती हूँ इस तरह की पैकेजिंग में ये आए थे तो मैं इसमें ही रैप करके रखती हूँ ये असल में ये जिस अगर किसी दूसरे पीस के साथ अटैच होंगे तो ये जरूर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो मैं इनको सेपरेट सेपरेट करके स्टोर करती हूँ एज एज इट इज है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है मुझे ये 200 समथिंग के मिले थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डील में मुझे मिल गया इतने के ही आप इंस्टाग्राम स्टोर पे से लेंगे तो इतने के ही मिलेंगे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी लेंगे ये इतने के ही मिलेंगे बट उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट वालों की बट ये क्वालिटी बहुत अच्छी है एवन क्वालिटी है मुझे बहुत पसंद आए ये पर्सनल फेवरेट है मेरे ये साड़ी के साथ सूट के साथ मैंने बहुत बार इनको पहना है आपने देखा होगा करवा चौथ वाली साड़ी जो लुकबुक मैंने बनाई थी साड़ीज की उसमें मैंने अपनी शादी वाली साड़ी के साथ इसको पहना था काफी अच्छा रिव्यूज आए थे सब लोग इस, इसकी फोटोज जब मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी ना इमेजिन नहीं कर सकते आप अनलिमिटेड रिव्यूज आए थे मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये बहुत अच्छे हैं और क्वेरीज आई थी कि ये कहां से लिए आपने कहां से लिए तो ये मैंने एवर सेलिस्ट से लिए हैं तो आप वहां से बजट में और अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी ले सकते हैं तो ये फर्स्ट ज्वेलरी पीस है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया अब मैं आपको आपके साथ सेकेंड शेयर करती हूँ फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पीस भी ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और मैं बहुत टाइम से इवन मुझे दो साल हो गए इनको देखते हुए और मन ललचाते हुए कि कहीं से ये मुझे मिल जाए अच्छी क्वालिटी में अमेजोन और Flipkart पे एज यूजल ये अवेलेबल थे बट उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी तो ये कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी झुमकीज इर रिंग है चांद बाली बोलते हैं इसको क्योंकि ये चांद की शेप में है तो चांद बाली बोलते हैं ये ब्लैक कलर के सूट के साथ व्हाइट कलर की कुर्ती के साथ बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और इनकी डिजाइनिंग में आपको दिखाती हूँ देखिए ऊपर ये मोर बना हुआ है छोटा छोटू 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 सा मोर है ये और इसके पीछे ये है स्क्रू लगा हुआ है इसके पीछे तो आप आराम से इसको पहन सकते हैं इसके बाद में आपको दिखाती हूँ नीचे से ये घुंघरू चांद वाली है इस तरह से दिखती है ये इसके अंदर भी मोर वाला डिजाइन है और थोड़ा सा ग्लास वर्क है ये देखिए ये वाला ग्लास वर्क है कुंदन टाइप का लगा हुआ है और नीचे ये सारा घुंघरू है तो इस टाइप की भी मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी ये अनुष्का शर्मा इंस्पायर्ड बोलते हैं इनको और काफी टाइम हो गया मुझे इनको ढूंढते हुए बट फाइनली मुझे ये एक एक दिन एवरसेलिस्ट पे दिख गई तो मैंने ले ली फ्रेंड्स मैं एवरसेलिस्ट से इसलिए खरीदती हूं क्योंकि वहां पर बजट में डील मिलती है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ऐसा नहीं है कि सस्ते मिल रहे हैं तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है कुछ भी नहीं है ये भी मैं दो तीन बार पहन चुकी हूं अपने वीडियोज में भी पहन चुकी हूं कई बार और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं ये जब भी पहनती हूं मैं ब्लैक के ऊपर या व्हाइट के ऊपर या किसी भी सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ ये बहुत सुंदर लगते हैं आपको कुछ और पहनने की जरूरत ही नहीं है बस यही पहनिए और आपका लुक जीरो से लेके हंड्रेड तक पहुंच जाएगा सिर्फ ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये नेक्स्ट पीस नेक्स्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको तो नेक्स्ट में मैंने uh, कुछ इस तरह से ये लिए थे ये भी ट्रेंडिंग पीस है ये देखिए ये छोटे छोटे से इयर है। हैं है छोटे छोटे से हम मुसाफिर लिखा हुआ है ऐसे देखने में मुसाफिर लिखा हुआ है देखिए ये सिर्फ नाइन्टी एट या ऐसे ही कुछ के पड़े थे मुझे और इससे पहले वाली चांद वो वन हंड्रेड समथिंग की पड़ी थी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है आप देख सकते हैं एवरसेलिश ऐप uh, पे आप बोहो पे जाएंगे ना बोहो कलेक्शन पे तो उसमें आपको अपने आप ही दिख जाएंगे ऊपर ही होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग होते हैं उनके तो ये ऊपर ही दिख जाएंगे आपको आपको ज्यादा स्क्रॉल करने की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर ही मिल जाएंगे तो ये आ, मुसाफिर वाला इयर है ये डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर है और इसमें आ, मीरा लिखा हुआ भी है एक में मीरा लिखा हुआ है वो भी आ, है वो मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे एक ही पेयर चाहिए था तो मैंने ये वाला ले लिया मुसाफिर वाला ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये आप किसी भी सॉलिड कुर्ती के साथ पहनिए बहुत सुंदर लुक देता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इस तरह से ये दिखते हैं छोटू छोटू से मुसाफिर लिखा हुआ है इसके ऊपर तो ये है uh, मेरी थर्ड इयर अब नेक्स्ट दिखाती हूं आपको बहुत ब्यूटीफुल ईयरिंग्स है फ्रेंड्स मैंने uh, इस तरह की ये ये वाले इयर लिए हैं ये देखिए ये छोटे छोटे से बहुत प्यारे लगते हैं ये भी सूट और साड़ीज के साथ हर किसी के साथ जाते हैं ये इयर ये देखिए फ्रेंड्स मैंने वन थर्टी फोर या ऐसे ही कुछ था प्राइस उतने के लिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ये देखिये कुछ पिंक कलर का इसमें इनेमल सा लगा हुआ है ये व्हाइट कलर के मोती लगे हुए हैं और पिंक कलर का है सिल्वर है ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाते हैं फ्रेंड्स इस तरह की इयर अगर आप सूट्स के साथ पहनते हैं तो ये एकदम से ग्रैंड सा लुक देते हैं हालांकि ये देखने में ज्यादा बड़े नहीं है बट ये बहुत ही ज्यादा रिच लुक देते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं छोटे छोटे से इयर रिंग्स और आपको कुछ और पहनने की इसके साथ जरूरत नहीं है आप सिर्फ यही पहन लीजिए और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा देखिए बहुत सुंदर इयर रिंग्स है ये वाले मुझे मैं मेरी काफी टाइम से इन पे नजर थी बट अब मैंने खरीद ही है मैंने कहा चलो खरीद ही लेते हैं इसको आ, वैसे एवर स्टाइलिश से जब भी आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो अगर आप छह सौ रूपये से ऊपर शॉपिंग करेंगे उसमें से छ सौ रूपये से ऊपर की शॉपिंग पे वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं और आप सीओडी का भी ऑप्शन ले सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी जब आपके पास सामान आ जाए तो आप पैसे दीजिए तो वो भी आप कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने छह सौ रुपए से ऊपर का सामान लेना था तो फ्री डिलीवरी मिल जाती है अदरवाइज वन फिफ्टी रूपीज डिलीवरी चार्जेस वो बता रहा था तो मैंने वो बचा लिए छह सौ रुपए के ऊपर शॉपिंग करो तो वो फ्री में डिलीवरी दे देते हैं अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फ्रेंड्स अब ये है मेरी नेक्स्ट परचेज इस वाले हॉल में ना मैं आपको बताऊं मेरी एक एक जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाया है सभी मुझे बहुत पसंद आ, है आए हैं मतलब जितने दिनों से मेरी इन पे निगाहें थी ना नजर थी मेरी जितने दिनों से अ, तो मैंने वो सभी ले लिए हैं ये इस तरह से दिखते हैं छोटी छोटी सी झुमकीस ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है फ्रेंड्स मैंने इसको छोटी दिवाली के दिन पहना था और तकरीबन मुझे सात आठ लोगों ने पूछ लिया कि आपने कहाँ से लिए कहाँ से लिए हैं ये मार्केट में तो मिल नहीं रहे बट ये कहाँ से लिए तो मैंने उनको मैंने उनको से हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे झुमके देखिए इनका जो डोम है ये ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज में है जैसे आइडल डोम होता है ना ये ज्यादा बड़ा है ना ये ज्यादा छोटा है और अगर आप देखेंगे गौर से देखिए इसके ऊपर इसके ऊपर ना जैसे वो होते मुगल कालीन कुछ मुगल एरा का कुछ डिजाइन सा बना हुआ है तो ये और भी ज्यादा अफगानी बोहो टाइप के लग रहे हैं और भी ज्यादा मतलब इनकी जो रिचनेस है जो इनकी लुक है वो और भी ज्यादा इन्हांस हो रही है ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं मैंने इनको छोटी दिवाली पे पहना था बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे तो इस तरह से ये है ये नेक्स्ट ये बहुत लाइट वेट भी है फ्रेंड्स ये आप पहनेंगे पूरा दिन भर मैंने पहने रहे थे पहने रख पहन रखे थे, थे बट उसके बाद भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ कानू में पहना हुआ है बहुत लाइट वेट है और सुंदर तो बहुत ज्यादा लगते हैं आप सूट के साथ साड़ीज के साथ मैंने स्कर्ट के साथ इसको पेयर किया था बहुत सुंदर लग रहे थे तो इस तरह की जरूर होनी चाहिए आपके पास भी एक एवेस्ट सेलिश पे ऐसे कई सारे डिजाइन के हैं आप कोई भी चूज कर सकते हो अपनी पसंद का बहुत ही ज्यादा अच्छे निकले हैं ये क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं कहीं और से लेंगे ना पता है इनका ये डोम जो होता है ना ये एकदम से मुचड़ जाता है एकदम से अगर दबाओ तो ये एकदम से क्रश हो जाता है बट इसमें ये क्रश नहीं हो रहा और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर तो मैं कितना जोर लगा रही हूँ आप मेरी फिंगर की पोजीशन से भी देख सकते हैं कितना ज्यादा जोर लगा रही हूँ उसके बाद भी इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये एज इट इज है लाइट वेट की लाइट वेट और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट मुझे क्या मिला Uh, मैंने पिछले बार जब एवरसली से खरीदे थे तो ये वाले खरीदे थे ये देखिए ये ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर के टेस्टल इर हैं और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और मैं इनको कई बार अपनी ड्रेसेस के साथ पहन चुकी तो बहुत सुंदर uh, इसका लुक आता है तो मैंने इसी से इंस्पायर्ड लिया है दूसरा भी uh, दूसरे कलर का ले लिया मैंने इस तरह से ये देखिए ऑरेंज कलर का लिया ये मैंने इयर uh, और ये भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं जब मैं इनको ऑरेंज कलर की कुर्ती के साथ पहनती हूँ ना सच में बहुत सुंदर लगते हैं मैंने पिछले दिनों इसको ऑरेंज कलर की साड़ी के ऊपर पहना था तो अमेजिंग सा लुक आया था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे तो इस तरह से ये दिखते हैं और इससे एकदम से ना कलर एड हो जाता है जाजब हो जाता है पूरा लुक कलर एड हो जाता है हमारे आउटफिट के अंदर अगर हमारा कोई भी प्लेन या बोरिंग सा आउटफिट है तो उसके ऊपर आप ये पहनिए प्लेन वाइट टी शर्ट और ब्लू जींस के साथ पहन लीजिए इसको बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्वालिटी uh, अच्छी है इसलिए मैंने दूसरी बार भी इससे इयर की शॉपिंग की है पहले वाले देखिए इनको तकरीबन तीन चार महीने हो गए हैं और ये एज इट इज है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये मुझे पहने हुए uh, तो मैंने इसी के साथ इसका दूसरा ले लिया ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं तो ये सेम सेम प्राइस के थे uh, तो मैंने ये दोनों ले लिए अभी दो पेयर हो गए मेरे पास एक जैसे डिजाइन के नेक्स्ट दिखाती हूँ नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स मैंने मेरे पास काफी सारे ओवर साइज स्टर्ड है बट जब मैंने इनको देखा ना तो मैं अब एकदम फिदा हो गई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से स्टर्ट है ये देखिए सिंपल सोबर और अगर हम गोल्डन में पहनते ना तो पता ऐसा फील आता है जैसे फेस्टिवल्स हैं या हम किसी की शादी में जा रहे हैं बट अबाउट दिस अगर हम इनके बारे में बात करें ना तो यू कैन वेयर देम ऑन डेली बेसिस ऑल्सो दे जस्ट लुक ऑफम एंड सो प्रिटी ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लगते हैं और ये देखिए इसके अंदर uh, पहले तो ये है पर्ल डिटेलिंग है और आपको बताऊ ये लोहे की तार पतली सी तार है तार में बंधे हुए हैं सारे मोती तो ये निकल के गिरेंगे नहीं क्योंकि ये लोहे की तार में है ये धागे वागे में नहीं है सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी इसी से देखी जाती है कि ये कैसे बने हुए हैं नेक्स्ट जो ये है अच्छी तरह से पेस्टेड है ये पिंक कलर का इनामल है ये देखिए उसके बाद ये है जो अंदर ग्रीन कलर का इनामल है और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है जैसे ये फ्लिपकार्ट और एमेजोन से मिलते हैं ना वैसी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये क्वालिटी बहुत अच्छी है एवर स्टेलिस से अगर आप इिंग्स लेना चाह रहे हैं ना तो बहुत अच्छे इयर अभी आए हुए हैं और जो मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से कुछ मैंने ले लिए हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है सारे ये मुझे बहुत पसंद आए और ये मुझे वन ट्वेंटी एट समथिंग रूपीज का पड़ा तो और कान में भी ये पूरा कान को ऐसे ढक लेता है देखिए कितना रॉयल लुक आ रहा है इसको पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइट वेट और अफोर्डेबल ज्वेलरी मिलती है एवरसाइलिश पे आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए काफी अच्छे प्रोडक्ट्स निकले हैं मुझे बहुत पसंद आए सारे के सारे जो जो मैंने आपको दिखाया ना सारे के सारे मुझे बहुत पसंद आए बस वो ऑरेंज वाले का कलर हल्का सा ज्यादा लाइट हो गया अगर ये हल्का सा डार्क शेड में होता ना तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है जैसे रेड में होता या फिर हल्का सा ऑरेंज और डार्क होता जैसे इसके पर्ल्स है ना हल्के से डार्क तो वो होते तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कलर मैंने देख के ही सेलेक्ट किया था बट मुझे लगा था थोड़ा सा डार्क होगा बट ये लाइट है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी भी हम इसको वेयर कर सकते हैं आराम से डेली बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है नहीं। अभी देखिए सिर्फ मतलब मेरी इस ड्रेस के ऊपर भी ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तो इसके जो है क्वालिटी बहुत ए है ये ब्लैक नहीं पड़े हैं देखिए ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं एक महीना हो गया इसको लेके आए हुए और ये एज इट इज है ये मैं आपको दिखाती हूँ चार महीने पुरानी क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी एव सेलिश को आप जरूर ट्राई कीजिए बहुत अच्छी ऐप है लेडीज के पास जितने मर्जी एयर हो जाए हमेशा कम ही लगते हैं और ज्वेलरी तो हम लोगों की एकदम जान जैसी होती है तो ज्वेलरी का मुझे भी शौक है बहुत ज्यादा शौक है बट मैं इयर का ज्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे गले में मैं कभी कभी पहनती हूं अगर नेक खाली भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे बट मेरे कान नहीं खाली रहने चाहिए तो मैं कानों में हमेशा पहनती हूँ और बदल बदल के पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा सिंस अच्छा। चाइल्डहुड मुझे बहुत पसंद है मैं बदल बदल के ही पहनती रहती हूँ कभी सोने का मैंने पहना ही नहीं काफी टाइम तक सोने का जैसे मैं पहनती हूँ गोल्ड का तो वो हम चेंज नहीं कर पाते फ्रीक्वेंटली बट तो मुझे आदत है कि रोज नई ड्रेस के साथ नया इयर चाहिए अलग ड्रेस के साथ अलग इयर तो मैं डेली चेंज करने में बिलीव करती हूँ और इससे हमारा पता है कि मूड हैप्पी सा रहता है देख के क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है अगर होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आई एम नॉट इन दिस कंडीशन आप भी मेरे साथ हैं तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय आए अगर आपको पसंद आए ज्वेलरी आइटम्स तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को एवर स्टाइलिश ऐप आप प्ले स्टोर से भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ई वीई आर एस टी वाई एल आई एस एच एवर साइलिश डॉट कॉम तो ये ऐप का नाम है आप जरूर इसको ट्राई कीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिलते हैं तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय आए Thank you.